हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पतंगलाल। टुडे टॉपिक्स चैप्टर 4, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, 8th क्लास साइंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन अराइजेज, राइट रॉन्ग टू फॉल्स हैं क्वेश्चन, सही व गलत बताइए। समानता या धातु अणुओं से अभिक्रिया करती है, क्या ये सही है, सत्य है, ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इज करेक्ट, ट्रू, सत्य है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करती है, गलत है। पांच, एंड कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये फॉल्स है, क्योंकि अधातु तन्यता नहीं होती, अधातुएं तन्यता नहीं होती। कॉपर जिंक सल्फेट के संलयन से जिंक को विस्थापित करता नहीं है, अधिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील से क्रिया नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण बताने हैं, धातु है या अधातु है उनके बारे में बताना। दिखावट, दिखावट के बारे में, धातु कैसी होती है, चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। सेकंड है कठोरता, धातुएं कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर, लेकिन अधातु हीरे को छोड़कर प्रायः सभी नरम पाई जाती हैं। थर्ड, आघातवर्ता, आघातवर्ता का मतलब है पीट पीट कर चादर के रूप में प्रयोग करना, ये सामान्य रूप से आघातवर्ता होते हैं, लेकिन जो अधातु होती है वो भंगशील होती है, उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तन्यता 4 पॉइंट है, जिनको पीट पीट कर तार के रूप में प्रयुक्त करना तन्यता कहलाती है, तो धातु तन्यता होती है, अधातु का तन्यता नहीं होती, इसमें ये गुण नहीं पाया जाता। ऊष्मा चालन, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। विद्युत चालन, ये सुचालक होती है, धातुएं सुचालक होती हैं, ऊष्मा विद्युत की चालन करती है, लेकिन अधातुएं कुचालक होती है लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। थैंक्स फॉर वाचिंग।